जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में अब PRT, TGT, PGT शिक्षकों की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, सरकार का ऐलान आपको दिखाएंगे। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप वीडियो देखोगे, समझोगे तो अच्छी प्रकार से जानकारी ले सकेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कोरोना वायरस की महामारी जारी है। स्पेशली हरियाणा की बात करते हैं क्योंकि हरियाणा की भर्ती से संबंधित हम ये जानकारी दे रहे हैं। तो हरियाणा में साफ तौर पर मनोहर लाल खट्टर ने, जो हरियाणा के CM, उन्होंने कह दिया है कि हरियाणा में आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, आर्थिक दशा खराब हो चुकी है, जिसके कारण 6200 करोड़ का कर्जा हरियाणा लेने वाला है। साथ ही मनोहर लाल जी ने साफ तौर पर कह दिया है, जनता TV के इंटरव्यू में मनोहर लाल ने बताया कि आने वाले 1 वर्षों में हरियाणा में कोई भी नई भर्ती शुरू नहीं होगी। यानी जिस तरीके से TGT, PGT व PRT की नई भर्ती आने की आशंका थी 2020 में, बड़ी भर्ती टीचर्स की आने की जो है सरकार घोषणा कर रही थी, अब उस घोषणा पर विराम लग चुका है, कोई भी नई भर्ती नहीं आएगी। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर यह भी दावा दी है कि जो भर्ती पेंडिंग थी, जो पुरानी भर्ती है, जो पेंडिंग में पड़ी है, उन भर्तियों को तो कंप्लीट कराया जाएगा, नए सिरे से कोई भी नई भर्ती नहीं आने वाली। आपको पता होगा कि PRT वालों के लिए कुछ खुशखबरी जरूर कोर्ट ने दी थी। कोर्ट ने कहा था कि 1 जुलाई से पहले पहले सरकार को जो है फॉर्म भराने के लिए विज्ञापन संख्या जारी कर देनी चाहिए, लेकिन कोरोना वायरस के कारण एक बड़ा मुद्दा सरकार के पास मिल गया है। अब कोर्ट को ये सरकार लिख कर दे देगी, कोरोना वायरस के कारण हम नहीं कर सकते। TGT की भी काफ़ी वैकेंसी आनी थी और PGT की कुछ वैकेंसी तो पहले ही आ चुकी है और कुछ वैकेंसी अब आने ही वाली थी, क्योंकि हरियाणा में शिक्षकों की भारी कमी है। और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन जो है पढ़ाना शुरू कर दिया है, कुछ एजुसेट पर कुछ TV चैनल्स भी निर्धारित कर दिए हैं। सरकार ये भी सोच रही है कि जिस प्रकार से ऑनलाइन स्टडी से संबंधित जो 52% बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आने वाले समय में क्यों न ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। अगर ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन पढ़ाने से संबंधित हरियाणा सरकार ने फैसला ले लिया तो ये समझिएगा कि अध्यापकों की काफ़ी वैकेंसियाँ ख़त्म हो जाएगी। अगर ऑनलाइन स्टडी जारी रखती है हरियाणा सरकार, अगर इस पर कोई बड़ा डिसीजन लेती है तो काफ़ी अध्यापकों की वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी। होगा क्या, एक निर्धारित समय पर बच्चों को विभिन्न तरीके से ऑनलाइन रूप से पढ़ाया जाएगा, अध्यापकों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी नए सिरे से कोई भी किसी प्रकार की अध्यापकों सहित अन्य वैकेंसियाँ 1 साल तक नहीं निकलने वाली। हालांकि पुरानी जो पेंडिंग वैकेंसी है, जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, उन पर सरकार निर्णय ले सकती है और उनका जो है अंतिम छोर तक उसका जो है परिणाम जारी करके उनको ज्वाइनिंग दे सकती है। नए सिरे से कोई भर्ती निकलने वाली नहीं है। यदि आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं और जॉब और जॉब से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स द्वारा अपनी प्रतिक्रिया या कुछ अन्य कोई जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो नए वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। धन्यवाद।